हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 3। So in this question, Gretel given you, the following information is available of P2 Limited. तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट मेंशन की है, डेटा है जो रुपीज इन लैक्स। तो वी आर गिवन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज लेस इंटरेस्ट ऑन 10% बैक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स इज गिवन 25%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन। अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड प्राइस एंड रेशो है जो गिवन। क्योंकि गिवन गया कि पी टू कंपनी है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 800 लैक्स, कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 300 लैक्स फॉर परपज ऑफ एक्सपेंशन विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज एट प्रेजेंट। जिसमें कंपनी को एक्सपेंशन करनी है और उसके लिए फंड चाहिए आपको रुपीज 300 लैक्स और उसके ऊपर आपको सेम रिटर्न मिलेगी विच वी आर अर्निंग एट प्रेजेंट। However, if the debt to capital employed ratio exceeds 30%, then price earning ratio will come down to 6 times and cost of additional debt will be 14%. So given this data, which of the following options the company would prefer? So we are given two options. Number one, required amount for expansion is raised through debt. Expansion ke liye jo funds chahiye aapko, uske liye debt issue kar sakte hain. और रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर एक्सपेंशन कैन बी रेज थ्रू इक्विटी एंड न्यू शेयर्स विल बी इशूड एट प्राइस रुपये 25 ईच। सो वी हैव टू सजेस्ट विच ऑप्शन इज बेटर। तो पहले को देखो, कैलकुलेट करते हैं हाउ मच इज प्राइजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्राइजिंग कैपिटल। So capital includes long-term sources of finance which includes equity, debt and preference. तो इसमें देखिए आपको mention किया है, सबसे पहले आपको debt mention किया है 10%। उसका interest हमें mention कर रखा है question में 100 lakhs, रुपीज आपके lakhs में चल रही है। तो उसको डिवाइड कीजिए 10% से, तो अमाउंट ऑफ डेट कीजिए रुपीज 1000 lakhs। तो सेकेंड आपको mention किया है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10। तो फिर जाते इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दी टार ओवर 40 लाख शेयर्स हैं आपके ऑफ रुपीज 10 ईच। सो इक्विटी शेयर कैपिटल लेगी 400 लाख्स। सो देन वी आर गिवन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। सो दिस इज रिजर्व एंड जो सरप्लस, तो दिस इज गिवन टू बी 800 लाख्स। सो प्राइजिंग कैपिटल लेगी रुपीज 2200 लाख्स। तो इसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए हाउ मच प्राइजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस फार्मूला है जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज पीबिक और ईबीआईटी आल्सो इट इज कॉल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल टाइम्स 100। सो पीबीआईटी देखो, आपको इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किया है दिस इज गिवन टू बी 500 अपॉन 2200 इनटू 100। सो पर रिटर्न ऑन कैपिटल इज 500 अपॉन 2200 टाइम्स 100 22.5, सो 7.27%। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी न्यू कैपिटल आफ्टर एक्सपेंशन। तो प्राइजिंग कैपिटल देखो आपके पास है 2200 लैक्स और प्लस अब आपको चाहिए रुपीज 300 लैक फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सो अवर न्यू कैपिटल विल बिकम 2500 लैक्स। उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी, सेम रिटर्न आपको मिलेगी। सो वी गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन न्यू कैपिटल ऑन 2500 लाख, इट विल बी 22.727%। सो यू टेक 2500 लाख इंटू 22.727%, दिस इज कमिंग 568.175 लैक्स। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो नंबर वन ऑप्शन इज वी कैन इशू डेट, सेकेंड ऑप्शन इज वी कैन इशू इक्विटी। तो दोनों ही ऑप्शन में पहले मेंशन करके हैं व्हाट विल बी अवर कैपिटल। तो अब देखिए आपको मेंशन किया है सबसे पहले 10% डेट रुपीज आपके लैक्स में चल रही है। तो प्राइजिंग कैपिटल जो 1000 लैक्स इट विल रिमेन सेम अंडर बोथ ऑप्शन।
डेट ऑप्शन में हम न्यू डेट इशू करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 14% डेट अमाउंट 300 लैक्स। सेकंड ऑप्शन में डेट इशू नहीं करेंगे, फिर प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास जिसे जो रुपीज 10 ईच जिसे जो 400 जिसे आल्सो सेम। अब सेकंड ऑप्शन के लिए हम नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू शेयर विल बी इशू एट ₹25 पर शेयर, अमाउंट इज 300 लैक्स। तो मीन्स आपको 300 लैक्स से फंड चाहिए, यू कैन रेज डेट और इक्विटी। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके सेवी रहेंगे, तो जिसे गिवन 800, तो टोटल कैपिटल वी गेट टू 25 हंड्रेड। नाउ वी हैव पी वी आई टी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज विच वी हैव कैलकुलेटेड 568.175। इसमें से आप माइनस कीजिए व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन गेट। सो फर्स्ट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10%, तो दिस इज सेम फॉर बोथ ऑप्शन। फिर आपने न्यू गेट के ऊपर इशू किया है 14% इंटरेस्ट ऑन न्यू गेट, दिस विल बी 42 लाख ओनली इन फर्स्ट ऑप्शन। सो देन वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT, तो दिस इज कमिंग 426.175। फिर आपको देखो मेंशन किया है टैक्स रेट के 25%, तो लेस कर दीजिए इसमें से टैक्सेज। सो एट द रेट ऑफ 25% बैलेंस भी गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो माइनस 25% के यू 319.63125। फिर एक आपको देखो चेक करनी है गैक रेशो, जिसके बेस पर हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो पैक है फर्स्ट लेटेस्ट पेक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस केस में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 400 लाख डिवाइड बाय टेन, दिस विल बी 40 लाख, तो यू विल गेट EPS। तो EPS इज डिवाइड बाय 40 लाख शेयर, दिस इज 7.9908। अब आपको चाहिए प्राइस अर्निंग रेशो, उसके लिए पहले का कैलकुलेट करेंगे गेट रेशो। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन लेटर सी, सो इनकम स्टेटमेंट में आपका PBT है जिसे 468.175, लेस कर दीजिए टैक्सेज 468.175 माइनस 25%, दिस इज 351.13125। यानी इसे बताया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसमें देखिए प्राइजिंग शेयर है आपके 40 लाख और 300 को डिवाइड कीजिए 25 से, दीज आर कमिंग 12 लाख शेयर, 12 + 40 टोटल शेयर विल बी 52 लाख। सो यू विल गेट EPS 351.13125 डिवाइडेड बाय 52, दिस इज 6.7525। अब मैंने एक मेंशन किया है कि यदि आपकी गेट रेशो एक्सीड करके 30% से गैन प्राइस एनी रेशो विल कम डाउन टू 6 टाइम्स, को पहले कैलकुलेट करते हैं दोनों ऑप्शन में हाउ मच इज गेट रेशो। सो लेट अस सी गेट रेशो, सो गेट रेशो फार्मूला है कि गेट को डिवाइड कीजिए अब टोटल कैपिटल से, गेट अपॉन कैपिटल टाइम्स 100। सो यू कैन सी हेयर गेट 300 + 1000 एंड हेयर 1000, तो दिस रेशो इज कमिंग 1300 डिवाइडेड बाय कैपिटल 2500 इंटू 100। और सेकंड ऑप्शन में गेट है आपका 1000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, तो गेट रेशो 1300 डिवाइडेड बाय 25 किसी 52% एंड किसी मोर गैन 30%। इन सेकंड ऑप्शन जिसे 1000 डिवाइडेड बाय 25 किसी 40% एंड दिस इज ऑल्सो मोर गैन 30%। क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आपकी डेट रेशो एक्सीड हो रही है 30% से, गेट फॉर प्राइस एंड रेशो विल बी 6 टाइम। नाउ यू मल्टीप्लाई, यू विल गेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है EPS इनटू प्राइस एंड रेशो, सो इट इज 7.9908 इंटू 6, तो दिस इज कमिंग रुपीज 47.945 एंड सेकेंड ऑप्शन 6.7525 इंटू 6, दिस इज रुपीज 40.515। सो ऑप्शन विच विल मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गेट विल बी बेटर, सो गेयर फॉर प्राइस 47.945 दिस इज मोर देन दिस प्राइस, तो वी कैन से गेट गेट ऑप्शन इज बेटर। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4।
इंग्लिश क्वेश्चन गेट का गिवन इज एचएनएल हैज रुपीज 1 करोड़ ऑफ 10% मोर्गेज बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग अंडर एन इंडेंचर. इंडेंचर मीन्स बॉन्ड एग्रीमेंट. द इंडेंचर अलाउज एडिशनल बॉन्ड्स टू बी इशू एज लॉन्ग एज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. आपको तीन कंडीशन मेंशन की है. प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिमेन्स ग्रेटर देन 4 टाइम्स. इंटरेस्ट कवरेज का फार्मूला आपको मेंशन किया है, इनकम बिफोर टैक्स प्लस बॉन्ड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बॉन्ड इंटरेस्ट. नेक्स्ट, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मॉर्गेज एसेट्स रिमेन्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज डेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो रिमेन्स बिलो 0.5. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. उसके बेस पर आपको डिटर्मिन करना है मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स टू बी इशूड. द एच एन एल हैज नेट इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ 2.10 करोड़ एंड 30% टैक्स रेट, रुपीज 40 करोड़ इन इक्विटी एंड रुपीज 30 करोड़ इन डेप्रिशिएटेड एसेट्स कवर्ड बाय द मॉर्गेज. आपको देखो डेट दिया है, इक्विटी दी है और आपको डेप्रिशिएटेड एसेट्स की वैल्यू भी दे रखी है एंड नेट इनकम आफ्टर टैक्स ये गिवन टैक्स रेट लिए 30% डेटा मैंशन करके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन पैट रुपीज आपके चल रहे हैं करोड़ में. सो पैट लीजिए 2.10 करोड़. सो टैक्स रेट लीजिए गिवन को भी 30%. देन वी आर गिवन मॉर्गेज डेट, सो 10% मॉर्गेज. सो डेट इज गिवन जिसे जो रुपीज 8 करोड़. सो देन वी आर गिवन इक्विटी जिसे जो 40 करोड़. और एक आपको मेंशन किए हैं डेप्रिशिएटेड एसेट्स, तो दीज आर ऑफ रुपीज 30 करोड़. ये आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन की है. तीन कंडीशन आपको दी हैं. सो अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द न्यू इशू वुड बी एग्रीड टू द बेस ऑफ मॉर्गेज एसेट्स एंड दैट द कंपनी हैज नो सिंकिंग फंड रिपेमेंट्स अंटिल नेक्स्ट ईयर. सो हाउ मच मोर 10% डेट वुड बी सोल्ड अंडर ईच ऑफ द 3 कंडीशन एंड विच प्रोटेक्टिव कोवेनेंट इज बाइंडिंग. आपको देखना है कि तीनों कंडीशन के बेस पर आप कितना डेट इशू कर सकती हैं और कौन सी कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा हमारी बाइंडिंग है. तो लेट अस अज्यूम लेट अमाउंट ऑफ मॉर्गेज डेट को बी इशूड इज इक्वल टू रुपीज इन करोड़ में चल रहे हैं रुपीज 1 करोड़. तो फर्स्ट देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं. नंबर वन कंडीशन इज, तो ये है आपकी कि कंडीशन है आपके इनकम बिफोर टैक्स मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी प्लस जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं अपॉन इंटरेस्ट. तो दिस कंडीशन सेज दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स. तो आपके पास देखो पैक दे रखा है 2.10, इसको बना लेते हैं बिफोर टैक्स. तो आपका फार्मूला बन जाएगा 2.10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 0.3 प्लस इंटरेस्ट ऑन गैट. प्राइसिंग डेट है आपका 1 करोड़, इनको 10% किसी 0.1 और न्यू डेट है आपका ए और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 0.1 ए. इसको डिवाइड कीजिए टोटल इंटरेस्ट से 0.1 प्लस 0.1 ए. इट शुड बी ग्रेटर देन और 4 टाइम्स. तो इसको सॉल्व करके अब हम जैसे कमिंग 3.8 करोड़ प्लस 0.1 ए एक ग्रेटर गैन 4 × 0.8 = 3.2 प्लस 0.48. दिस 0.1 विल गो ऑन दिस साइड, दिस इज कमिंग 0.38 एंड 3.8 - 3.2 दिस इज 0.6. उससे गेट ए की वैल्यू आ जाएगी जैसे आप एज पर दिस कंडीशन 0.3 ए शुड बी लेस गैन 0.6. इट मीन्स ए शुड बी लेस गैन 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज इक्वल टू रुपीज 2 करोड़. इट मीन्स मैक्सिमम गैट एज पर दिस कंडीशन इज रुपीज 2 करोड़. तो नेक्स्ट चेक करके हैं सेकेंड कंडीशन आपको दी है. नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मॉर्गेज एसेट्स रिमेन्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज डेट और ये भी मेंशन किया है आपको. 50% ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यू इशू विल बी एग्रीड टू द बेस ऑफ मॉर्गेज डेट्स. तो सेकेंड कंडीशन इज अवर डेट को आपकी जो रेशो है नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन्स क्वाइस द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज डेट. तो आपकी जो डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं टू मॉर्गेज डेट इट शुड रिमेन 2 टाइम्स. तो आप देखिए प्रेजेंट डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं आपकी 30 करोड़. प्लस आपने डेट इशू किया है ए तो इसका 50% हम इन्वेस्ट कर देंगे एसेट्स में. तो आपकी एडिशनल एसेट्स आ जाएंगी 0.85 ए.
टोटल गेट बन जाएगा आपका एट प्लस न्यू गेट ये ए, एंड दिस शुड बी मोर देन टू टाइम्स। तो उसको सोल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सो दिस इज 30 प्लस 0.5 ए ग्रेटर देन 2 × 8 = 16 प्लस 2 8 0.5 1 दिस आएगा, दिस इज 1.5 ए। 30 − 16 = 14, सो वी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गेट एज पर दिस ए इज लेस देन 14/1.25। इस कंडीशन के बेस पे देखिए आपका गेट का अमाउंट आ रहा है 14/1.5, दिस इज 9.33 crores। इट मीन्स एज पर फर्स्ट कंडीशन अमाउंट ऑफ गेट इज शुड बी लेस देन 2 crores, एज पर सेकेंड कंडीशन इट शुड बी लेस देन ₹9.33 crores। नेक्स्ट लेटर सी थर्ड कंडीशन, सो कैन वी हैव थर्ड कंडीशन इज डेट टू इक्विटी रेशियो रिमेन्स बिलो 0.5। तो थर्ड कंडीशन अप्लाई करके हैं जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, दिस रेशियो शुड बी बिलो 0.25। तो अब देखिए डेट कितने हैं, डेट है आपका प्रेजेंट 8 crores, जैसे न्यू डेट विल बी ए, इक्विटी सेम है आपकी 40 crore, तो दिस शुड बी लेस देन 0.25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 + a शुड बी लेस देन 20, इट मीन्स a शुड बी लेस देन 20 - 8 जिसे कि 12। तो थर्ड कंडीशन के बेस पर आपका अमाउंट को गैट आ रहा है मैक्सिमम 12 crore। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इट मीन्स अब इनमें से जो मिनिमम होगा तो वो कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी विच इज 2 crore, देयर फॉर अवर आंसर इज तो मैक्सिमम गैट टू बी बोरोड तो इज इक्वल टू ₹2 crores। इट मीन्स विच कोवेनेंट, कोवेनेंट मीन्स कंडीशन इज मोस्ट बाइंडिंग। सो फर्स्ट कंडीशन विच वाज अवर दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशो रिमेन्स 4 times, दिस इज मोस्ट बाइंडिंग कंडीशन। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 5। तो इन दिस क्वेश्चन डेटा गिवन इज सो निशान लिमिटेड है कि 35,000 शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग विद ए बुक वैल्यू ₹20 पर शेयर, एक और डेट ऑफ ₹15 lakh एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, देन यू आर गिवन इनकम स्टेटमेंट एंड कैपिटल इज गिवन। कैपिटल में देखिए डेट है 15 lakh, इक्विटी 7 lakh, टोटल कैपिटल 22 lakh, इनकम स्टेटमेंट में इबिट आपको दे रखी है, इबिट माइनस इंटरेस्ट इबिट इज, देन टैक्स इज गिवन, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ये नेगेटिव में चल रहा है, लॉस है, डेप्रिसिएशन है, प्रिंसिपल रीपेमेंट है, कैश फ्लो की गिवन है। सो रीस्ट्रक्चर का फाइनेंशियल लाइन आइटम्स शोन अज्यूमिंग ए कंपोजिशन इन विच क्रेडिटर्स डेटर डेट होल्डर्स एग्री टू कन्वर्ट 2/3 ऑफ देयर डेट इनटू इक्विटी एट बुक वैल्यू। इसमें अभी आपको मेंशन किया है कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है आपने, जो 2/3 डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर लीजिए इक्विटी में बुक वैल्यू के ऊपर, इक्विटी के देखो बुक वैल्यू दी है पर शेयर ₹20। एज्यूम निशान विल पे टैक्स 15% ऑन इनकम आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली बिग डेट। सो हु विल कंट्रोल द कंपनी एंड बाय हाउ बिग अ मार्जिन आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग। तो आपको डिटर्मिन करना है कि कंट्रोल किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा कंपनी का आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग एंड कितना बेनिफिट होगा हमें। तो स्टार्ट करके देखो प्राइजिंग आपको डेट लिया है 15 lakh, तो पहले प्राइजिंग पोजिशन देखते हैं, तो प्रेजेंट डेट इज अवर ₹15 lakh, और उसकी देखो आपकी जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है वो आपको मेंशन की है, प्रिंसिपल रीपेमेंट इज गिवन को भी 75,000, अगर आपको इंटरेस्ट भी मेंशन किया है जैसे 1,80,000 इंटरेस्ट विच वी हैव टू पे ऑन डेट 1,80,000। अब अपने डेट को रिड्यूस करना है 2/3, रिड्यूस डेट बाय 2/3, तो उससे क्या होगा आपका प्रपोर्शनेट जो इंटरेस्ट है ये भी रिड्यूस हो जाएगा माइनस 2/3, और जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है ये भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी बाय 2/3, इट मीन्स रिमेनिंग रह जाएगी 1/3। तो आपको देखना है कि व्हाट विल बी बेनिफिट ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग। तो पहले देखते हैं कि अब कितना डेट आपको रिड्यूस करना है बाय 2/3, सो दिस विल बी 15 lakh इनटू 2/3, सो डेट इज बिकमिंग 10 lakh rupees, माउंस आपके हैं रुपीज में। तो इसके अगेंस्ट हम शेयर्स इशू कर देंगे, बट विल बी न्यू शेयर्स को भी इशू, तो शेयर्स आपको इशू करने हैं और इनका बेसिक बुक वैल्यू विच इज गिवन को भी ₹20 पर शेयर, तो डिवाइडेड बाय 20, तो दिस विल बी 50,000 शेयर्स। तो पहले देखते हैं कि बाकी के बेनिफिट
आपको कितना बेनिफिट हो रहा है रीस्ट्रक्चरिंग से। तो आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लीजिए, वी आर ग्रोइंग योर इनकम स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज, जिसे जो 80,000 को EBIT सेम रहेगी, आपकी टोटल कैपिटल सेम है। वैन यू सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो आपका 2/3 रिड्यूस हो जाएगा, अब ये रहेगा 1/3। तो 1/3 विल बी अवर दिस मनी की 60,000, बैलेंस विल बी PBT 20,000। इसको फिर आपको देखो टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%, विच इज 3,000। बैलेंस इज पैक, दिस इज 17,000। तो पहले देखो फर्म लॉस में चल रही थी, नाउ इट इज पॉजिटिव। फिर आपको डेप्रिसिएशन की है 50,000 की, तो वो ऐड कर दीजिए, उससे आपका कैश प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे कि 50,000। माइनस कर दीजिए आप प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल की रीपेमेंट भी आपकी 2,000 रिड्यूस हो जाएगी, नाउ इट विल बिकम ओनली 25,000। बैलेंस इज अवर कैश फ्लो। फिर आपको दे रखिए देखो प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट कैश कितना फ्लो हो रहा है। प्रेजेंटली हमारा कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है 1,25,000। नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव, 67 माइनस 25, इट हैज बिकम 42,000। वो आपका बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट यही है कि आपका कैश फ्लो हैज इंक्रीज 2,42,000। तो पहले जो खुद नेगेटिव में था इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया 1,25,000 नेगेटिव, बट नाउ इट हैज बिकम पॉजिटिव, सो दिस इज बिग इंक्रीज इन कैश फ्लो। तो सेकेंड ईयर आस्किंग हु विल कंट्रोल द कंपनी, उसने देखे हैं पहले कितने शेयर होल्डर्स थे, अब कितने हैं आपके। तो अभी के आप कंपेरिजन कर रहे हैं हम बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग एंड आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, तो बता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। आपको इनको मेंशन किया था प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स हैं आपके 35,000। सो आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग अब आपने डिबेंचर होल्डर्स जो हैं डेट होल्डर्स उनको भी नए शेयर इशू किए हैं, ये प्रेजेंट शेयर को देखो आपके सेम ही हैं 35, डिबेंचर होल्डर को आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं, इतने से टोटल शेयर हैव बिकम 85,000। यू कैन सी बाकी परसेंटेज ऑफ शेयर, तो आप इनकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने कुछ ही शेयर होल्डर हैं, अब उनके पास कितने परसेंट शेयर्स रह जाएंगे 35/85, नाउ दे गेट टू 41.18%। और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स मिल रहे हैं इन न्यू आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग 58.82%। इट मीन आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग डिबेंचर होल्डर्स विल कंट्रोल द कंपनी। तो ये आपको पूछा है कि हु विल कंट्रोल द कंपनी, तो वी विल से आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग डिबेंचर होल्डर से विल कंट्रोल द कंपनी। दिस इज गुड पॉइंट एंड दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, पर ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।